इस साल लंबे इंतजार के बाद मोटोरोला ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन मोटो G6 और मोटो G6 Play को लॉन्च किया है। लेनोवो की इस कंपनी ने अपनी बजट G सीरीज के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है। दोनों ही स्मार्टफोन 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले लंबे डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो आज की तारीख में आम बात है। हमें रिव्यू के लिए मोटो G6 मिला है, जो डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। कीमत 13,999 रुपए से शुरू होती है, जिसमें 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। याद रहे कि जी सीरीज के पुराने मॉडल को ग्राहकों और आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया है। मोटो G6 को ऐसे वक्त पर लॉन्च किया गया है जब 20,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। इस सेगमेंट में Asus ZenFone Max Pro M1 और Redmi Note 5 Pro जैसे हैंडसेट हैं, जिन्हें हमने खासा पसंद किया है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तुलना में मोटो G6 कितनी मजबूत चुनौती पेश करता है। मोटो G6 के साथ मोटोरोला ने G सीरीज के पुराने हैंडसेट वाले प्लास्टिक और मेटल बॉडी की छुट्टी कर दी है। इस बार ग्लास और मेटल डिजाइन का दामन थामा गया है। स्लीक और शाइनी कर्व्ड ग्लास बैक और बेहद ही पॉलिश्ड मेटल मिड फ्रेम के कारण मोटो G6 पिछले साल के मोटो X4 जैसा लगता है। 8.3 mm मोटाई वाला यह फोन सबसे स्लिम तो नहीं है, लेकिन इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना सहूलियत भरा है और 167 ग्राम को ज्यादा वजनदार भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह स्मार्टफोन अब भी थोड़ा चंकी और सॉलिड लगता है। अफसोस कि मोटोरोला ने इस फोन में फ्रंट और बैक में प्रोटेक्शन के लिए नए और ज्यादा मजबूत गोरिल्ला ग्लास 4 या 5 की जगह गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया है। 18:9 डिस्प्ले के बावजूद मोटोरोला ने फ्रंट पैनल पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। कैप्सूल की शेप वाला यह सेंसर बेहद ही छोटा है, लेकिन यह काफी तेज और सटीक है। ईयरपीस स्पीकर का भी काम करता है, इससे ऊंची आवाज आती है, लेकिन इसमें वार्मथ और क्लैरिटी की कमी है। फोन के निचले हिस्से पे USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm हेडफोन सॉकेट है। अच्छी बात है कि मोटोरोला ने मोटो G6 और मोटो G6 Play में USB टाइप सी पोर्ट देने का फैसला किया है। मोटोरोला के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है, जो क्वालकॉम का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन प्रोसेसर है। यही प्रोसेसर काफी सस्ते Xiaomi Redmi 5 और Honor 7C का भी हिस्सा है। मोटो G6 के दो वेरिएंट हैं। एक में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज है, जिसकी कीमत 13,999 रुपए है। वहीं 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 15,999 रुपए में मिलेगा। मोटो G6 की बैटरी 3000mAh की है, यह क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें दो नैनो सिम के लिए जगह है और एक वक्त पे सिर्फ एक ही सिम 4G स्पीड में चलेगा। बता दें कि इसमें अलग अलग सिम ट्रे हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं। मोटो G6 में 5.7 इंच का फुल HD+ IPS पैनल है, जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला है। व्यूइंग एंगल बढ़िया है, कलर सटीक हैं, लेकिन सनलाइट लेजिबिलिटी औसत है, ऐसा ही ब्राइटनेस लेवल के बारे में भी कहा जाएगा। स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर के साथ हमारा अनुभव मिला जुला रहा है, लेकिन मोटो G6 में इस हार्डवेयर का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। कुछ श्रेय तो मोटोरोला के क्लीन और स्मूथ सॉफ्टवेयर पैकेज को भी जाएगा। मोटो G6 बिना किसी परेशानी डेली टास्क को हैंडल करता है, लेकिन फोन कभी कभार लैग भी करता है और इंटेंसिव वर्कलोड के दौरान थोड़ा गर्म भी हो जाता है। एड्रीनो 506 GPU के कारण मोटो G6 गेम्स को काफी मजबूती के साथ हैंडल करता है। हमें Asphalt 8 जैसे हैवी ग्राफिक्स वाले गेम को लोड करने में कुछ लैग का एहसास हुआ, लेकिन गेम प्ले काफी स्मूथ था। मोटो G6 में बिल्ट इन फेस रिकॉग्निशन है, लेकिन यह धीमा और इनएक्यूरेट है। रिव्यू के दौरान मोटो G6 ने कई बार हमारे चेहरे की पहचान नहीं की, ऐसा पर्याप्त रोशनी के दौरान भी हुआ। फोन में दिया गया एंड्रॉइड ओरियो काफी तेज और स्मूथ है। इसमें मोटोरोला द्वारा दिए गए कुछ काम के फीचर भी हैं, इसके बावजूद स्टॉक एंड्रॉइड जैसा अनुभव बना रहता है। हालांकि पहले से इंस्टॉल फेसबुक लाइट, फोन पे, लिंक्डइन और आउटलुक जैसे ऐप अनुभव को थोड़ा खराब जरूर करते हैं। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में मोटो G6 की बैटरी 8 घंटे 40 मिनट तक चली, जिसे खराब माना जाएगा। हालांकि आम इस्तेमाल में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है, फोन ने आसानी से दिन भर साथ दिया। मोटोरोला ने फोन के साथ 15 वॉट का टर्बो चार्जर दिया है, जो फोन को करीब 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है, लेकिन चार्जिंग के दौरान स्मार्टफोन काफी गर्म हो जाता है। मोटो G6 में पिछले हिस्से पर दो कैमरे हैं। 12 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। मोटो G6 में फ्रंट पैनल पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, रियर हिस्से पे डुअल LED फ्लैश है और फ्रंट पैनल पे सिंगल LED फ्लैश। कैमरा ऐप में आपको कई फीचर मिलेंगे, जैसे कि टेक्स्ट स्कैनर मोड, जो इमेज पर लिखे हुए टेक्स्ट को टेक्स्ट में तब्दील कर देता है, और स्पॉट कलर मोड। फोन में प्रो मोड भी है, जिसे आप व्हाइट बैलेंस, ISO, एक्सपोजर, शटर स्पीड और अपर्चर मैनेज कर पाएंगे।
फ्रंट और रियर कैमरे की परफॉर्मेंस बेहद ही औसत है। रियर कैमरे से रात में ली गई तस्वीरें डार्क और मडी नजर आती हैं। नॉइज भी बहुत ज्यादा रहती है। नॉइज कम करने के चक्कर में कैमरा तस्वीरों को ज्यादा शार्प कर देता है। उपयुक्त रोशनी में ली गई तस्वीरों में कलर सटीक आते हैं, लेकिन इनमें हमारे उम्मीद के मुताबिक डिटेल नहीं होता। डायनेमिक रेंज भी थोड़ा निराश करता है। पोर्ट्रेट मोड में आप बोके शॉट कैप्चर कर पाएंगे जो औसत क्वालिटी के आते हैं, और इनमें एज डिटेक्शन बेहद ही खराब है। ब्लर इफेक्ट भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। सेल्फी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पर्याप्त रोशनी में फ्रंट कैमरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कम रोशनी में कमजोर पड़ जाता है। सूरज की सीधी रोशनी में कैमरा कई बार शॉट को ओवर एक्सपोज कर देता है। फ्रंट एलईडी फ्लैश से थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती है। आप फ्रंट और रियर कैमरे से 1080 पिक्सल के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। मोटोरोला का इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वीडियो को स्टेबल रखने का अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें भी डिटेल की कमी रहती है। मोटो G6 दिखने में बेहद ही शानदार है। यह कॉम्पैक्ट है और इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना सहूलियत भरा है। बैटरी लाइफ भी तारीफ योग्य है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और डिस्प्ले पर कलर सटीक आते हैं, लेकिन इसे ब्राइट सनलाइट में इस्तेमाल करना आसान नहीं है। कैमरे बेहद ही औसत क्वालिटी के हैं और फेस रिकॉग्निशन बेहद ही स्लो और इनएक्यूरेट है। मोटो G6 की कीमत Xiaomi Redmi Note 5 Pro और Asus ZenFone Max Pro M1 के बेहद करीब है, जो ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और बेहतर कैमरे के साथ आते हैं। थोड़े सस्ते Xiaomi Redmi Note 5 के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन मोटो G6 से काफी मेल खाते हैं। यह भी एक अच्छा विकल्प है, खासकर वैल्यू फॉर मनी के मामले में। इच्छुक ग्राहक हाल ही में लॉन्च किए गए Realme 1 के बारे में भी विचार कर सकते हैं, जो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और इसके कैमरे भी औसत हैं। तो यह था Moto G6 का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।